हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी बेसन के लड्डू। तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए मैंने एक कटोरी बेसन लिया है और एक कटोरी ही पिसी हुई चीनी ले ली है मैंने। चीनी को पीस लिया है, एक कटोरी घी ले लूंगी। तो आइए बनाते हैं बेसन के लड्डू। तो सबसे पहले हम गैस जला के पैन रखेंगे। पैन हमारा गर्म हो गया था, हमने इसमें देसी घी डाल दिया है। अब हम इसमें ये एक कटोरी बेसन डाल देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे धीमी आंच पर। बेसन को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे जब तक इसमें से खुशबू ना आने लगे और इसका एक अच्छा सा कलर ना चेंज हो जाए। बेसन हमारा लगभग भुन चुका है और बेसन से बहुत अच्छी भुनने की खुशबू आ रही है। इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून ऐसे पानी छिड़क देंगे। पानी छिड़कने से जो बेसन के लड्डू बनते हैं ये दानेदार बनते हैं। तो अगर 3 से 4 टेबल स्पून पानी इसमें हम ऊपर से छिड़क देंगे तो ये दानेदार लड्डू बन जाएंगे बेसन के। बेसन हमारा अच्छे से भून चुका है, कलर भी इसका बिल्कुल चेंज हो गया है, लाइट ब्राउन हो गया है ये। और अब हम गैस को बंद कर देंगे। बेसन हमारा ठंडा हो गया है, अब हम इसमें ये पिसी हुई चीनी मिला देंगे। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम मीठा या ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। चीनी को खूब अच्छे से हम इसमें मिला देंगे बेसन में। चीनी और बेसन को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। हथेलियों में ऐसे रख के इसको ऐसे गोल गोल घुमाएंगे और इसको एक लड्डू का शेप दे देंगे। ये देखिए, मैंने इस तरीके से ये लड्डू बनाया है और इसी तरीके से हम और भी बेसन के लड्डू बना लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे लड्डू ऐसे बना लिए हैं। अब हम इसके ऊपर ऐसे बादाम से गार्निश कर देंगे। बेसन के लड्डू बनकर तैयार हैं। आप भी इसको ऐसे ज़रूर बनाइए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।